गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। एक मित्र लेबर पत्नी के साथ अवैध संबंध और दूसरे मित्र लेबर को अपने साथ काम पर न ले जाने के कारण पीपीगंज थाना क्षेत्र के तालिकिया गांव के सिवान पर राजगीर युवक की उसी के चार दोस्तों ने ही चाकू मार कर की थी हत्या। एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने किया सनसनीखेज खुलासा। कोरोना से संक्रमित होम आइसोलेटेड किए गए मरीजों के स्वास्थ्य के मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने लिया जायजा। संक्रमित मरीजों से की बात, कहा कोरोना से घबराए नहीं, बरतें सावधानी, नहीं होगी कोई दिक्कत। महानगर के कोरोना जांच शिविर का एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जायजा, कहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अवश्य कराएं कोरोना की जांच, ना बरतें लापरवाही। कैंट पुलिस ने देसी तमंचा, जिंदा कारतूस, चाकू और चोरी की स्कूटी के साथ तीन शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। सीओ कैंट ने कहा टॉप 10 और टॉप 20 अपराधियों की लिस्ट में थे शामिल, गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। अवैध कच्ची शराब के कारोबारियों पर आबकारी विभाग ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। 93 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए 10 कुंतल दहन को किया नष्ट। आबकारी निरीक्षक ने कहा 6 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर की गई कार्रवाई। गोरखपुर में रविवार को कोरोना के मिले 191 नए संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 12,881, एक्टिव मरीज हुए 3,064। सीएमओ डॉक्टर श्री कांत तिवारी ने की पुष्टि। और खजनी पुलिस ने टॉप 20 के लिस्ट में शामिल एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। देसी तमंचा, जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल।